फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ भेजा फ्राई, जिसके लिए मैं भेजा ले ली, उसको साफ कर ली हूँ छोटे छोटे पीसेस में। आप इसको देख सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस मैं कट कर ली हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, राई का तेल, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और मेथी दाना और दो पीस प्याज। अब मैं प्याज को पीस लूँगी। अब मैं प्याज पीस ली हूँ। अब गैस ऑन करूँगी। अब मैं गैस ऑन कर ली हूँ। अब इसमें मैं तेल डालूँगी। इसमें मैं तेल डाल ली हूँ, तेल गर्म होने तक। तेल मेरा गरम हो चुका है। अब इसमें डालूंगी मेथी दाना। मेथी दाना पक चुका है। अब इसमें डालूंगी प्याज पिसा हुआ। इसको मैं बना लूंगी और इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें डालूंगी है, थोड़ा भुना दिया है। अब इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। नमक, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। मसाले में हल्का पानी डालेंगे, थोड़ा ही पानी डालेंगे साथ में। तो मसाले कच्चापन खत्म हो जाए। इसको मैं 2 से 3 मिनट भून लूंगी। देख सकते हैं मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है, इस पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब इसमें डालूंगी मैं भेजा। मेरा
ज्यादा चलाना नहीं, इसको हल्के हल्के हाथ से ऊपर नीचे कर देना। अब हल्के हल्के हाथों से मैं ऊपर नीचे कर दी हूँ। गैस का फ्लेम कम कर दूंगी मैं, गैस थोड़ा कम कर दी हूँ। इसे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूंगी। 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँ, फिर 10 मिनट के बाद फिर मैं खोलूंगी। देखो फ्रेंड, अब मेरा माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है। अब ये तैयार हो गया। मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। मैं इस पे से थोड़ा धनिया पाउडर, धनिया पत्ती छिड़क दे रही हूँ, उसके बाद मैं गैस ऑफ कर दूंगी। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। थैंक यू, फिर से मिलूंगी अगले।